आप लोग खाली बैठे हो, कहीं भी कभी भी, तो आप मन रहित तो हो नहीं सकते। मन अपना काम करेगा, और जहां आपके मन बुद्धि का इंटरेस्ट है उसी का चिंतन करेगा। आमतौर पर संसार का ही चिंतन करना है, उसी में आसक्ति है, तो उसी का चिंतन करना होगा। आप रोक नहीं सकते मन को, इसलिए उस समय के लिए मैंने साधना बताई थी, किंतु आप लोग भूल जाते हैं। कोई परवाह नहीं करता मरने के बाद क्या होगा। राधे नाम का श्वास से जप किया कीजिए। जब श्वास को खींचो रा, जब छोड़ो तो धे। शब्द नहीं बोलना, श्वास से खींचते समय रा फिर धे। कार में बैठे हैं, फालतू ड्राइवर चला रहा है, मन चिंतन करेगा, संसारी चिंतन करेगा, गंदा चिंतन करेगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन हानि लाभ प्रपंच का। श्वास से जप करने का अभ्यास कीजिए। थोड़े दिन परिश्रम पड़ेगा, फिर अपने आप हो जाएगा, फिर आप खाली बैठ ही नहीं सकते। वरना क्या होता है, एक तो मन चिंतन करता है, दूसरे अगर कोई बगल में बैठा हो, माँ बाप बीबी पति पड़ोसी, तो बोलने की बीमारी और बुद्धि सबकी कमजोर है। अहंकार कितने ही कर लो, अधिक बोलने में कोई न कोई वाक्य गड़बड़ निकल जाएगा, तो सुनने वाले को फीलिंग होगी, वो आपको बेवकूफ सोचेगा और आपका इतना नुकसान हो जाएगा। बोलना अधिक भयानक है, उससे कम भयानक है सोचना। सोचने में आप ही का नुकसान है और बोलने में डबल नुकसान हो जाएगा। सोचना तो पड़ता ही है, बोलने में उधर से नुकसान हो जाएगा दूसरे का, और फिर हो सकता है वो आपसे विरोध पर तुल जाए, उसने ये कहा था, अरे मैंने कान से सुना था। अब वो कहने वाला कोई बात अधिक बढ़ा के बोल देता है, ये सब की आदत है। हमको एक आदमी नहीं मिला सारे भारत में इतने वर्ष में जो सही बात, जिस किसी भी वाक्य का सही निरूपण कर दे। अगर उसकी तारीफ करना है, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, और दो तीन आदमी ने की थी। अगर किसी ने बुराई कर दी, वो उसके उस वाक्य का, उस कपड़े का, उसका सब बुराई कर रहे थे। ऐसे हम लोगों के बोलने की आदत है,
ये झूठ भी है और हानिकारक भी है। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इन्हीं शब्दों से। हम सही बोल ही नहीं सकते, मुझसे नहीं सही बोलते लोग, मुझसे जिनको गुरु गुरु मानते हैं, साथ झूठ बोलते हैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए। हमारे लिए गुरु जी ने गलत कहा, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। और अगर राधा कृष्ण मिल जाए तो उनसे भी हम झूठ बोलेंगे। आदत है, क्या करें, मजबूर है। तो बोलना बड़ा खतरनाक है। जितनी लड़ाई दुनिया में होती है उसमें 99% रीजन है बोलना। बाप से, माँ से, भाई से, बीबी से, पति से, बेटे से, पड़ोसी से, जितना अधिक जो बोलेगा उतने उसकी खराबी होगी। टेंशन होगा, दुख होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, द्वेष वाले खड़े हो जाएंगे। तो एक तो कंट्रोल करो, कम से कम बोलो, जितने में काम चल जाए। अब देखो, फोन करते हैं आप लोग या किसी की बात सुनते हैं फोन से, बोले जाते हैं, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, वो कुछ बोला, अरे तो ऐसा क्यों किया, बोला, अरे तो वो तो हम जानते हैं वहां बेवकूफ है, बोले जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी शिकायत है सारी दुनिया में, वो तो बस राधे राधे करके फोन धर देते हैं। और उनसे अगर पूछो, भाई हाँ कैसे फोन किया, बोलो आपकी आवाज सुनना है, और सुनो, वो हमारी आवाज सुनना है का मतलब हम बोलते रहे पागल हैं, न तुमको जरूरत थी न हमको जरूरत है कुछ बोलने की, अब आवाज सुनना है इनको, फोन धर देते। तो कम से कम बोलो, और खाली टाइम में राधे नाम का जप करो, ये दो बात हमारी गांठ बांध लो, और 10-20 दिन महीने भर अभ्यास कर लो, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा इससे, और तमाम झगड़े कम हो जाएंगे संसार के। अरे करके देख लो, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हाँ भाई ये वेद शास्त्र के मंत्रों का अर्थ करना है। अभ्यास करके देख लो कितना फायदा होता है। हाँ, आज हम पति से, बेटे से, बाप से बहस नहीं करेंगे, वो कुछ गुस्से में बोलेगा तो हम चुप रहेंगे। हाँ, तो कई बार बोलेगा, 2-4 डांट लगा देगा, बस चुप हो जाएगा वो भी। और अगर हम कुछ बोलेंगे, अच्छा ऐसा बोला, ऐसा हुआ, और बात बढ़ती जाएगी। यही होता है। और फिर आप लोग क्या बोलते हैं बता दो। आप लोग कहते हैं अगर मैं न बोलूं तो वो सर चढ़ जाए पति, वो बीबी जान खा ले अगर मैं न बोलूं तो। ये सिद्धांत है इनका, हमारे बोलने से फिर वो हार जाता है, कोई नहीं हारता। तो आप लोग थोड़ा इसका अभ्यास करके देखिए, आपका अपना लाभ है, कोई दूसरे के लाभ के लिए नहीं हम कह रहे हैं। आपका टाइम बचेगा, आपको आत्मा की शांति मिलेगी, क्रोध वगैरह नहीं आएगा, तमाम बीमारियां जो पैदा होती हैं बोलने से वो नहीं होंगी, बहुत फायदा होगा। लेकिन थोड़ी मेहनत पड़ेगी पहले पहल, फिर अपने आप होने लग जाएगा। आदत
आदत शब्द को आप लोग जानते होंगे, हैबिट, नेचर नहीं, हैबिट। किसी चीज को बार बार अभ्यास करो तो वो अपने आप होने लगता है, उसको हैबिट कहते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा जो मिलती है, ये दो बातें आप लोग अगर ध्यान रखें तो मेरे ऊपर भी कृपा होगी और आपका भी कल्याण होगा।